वेल हेलो एंड वेलकम बैक, वी आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग और कितने सारे एप्स हो गए हैं। हम एप्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि तो इतने सारे एप्स हो गए हैं जो बहुत सारे लोगों को अब तक नहीं पता। सो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी काम में आने वाला है और जो इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी आपके पास है और बहुत सारे ऐप्स के बारे में नहीं पता, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, इलेक्ट्रिक कार्स के चार्जर्स इतने सारे आ गए हैं, इतनी सारी कंपनीज अपने अपने चार्जर्स लगा रही है हर जगह पे, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, बहुत सारे लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पैसा तो जाने वाला है नहीं आप लोगों का सब्सक्राइब करने, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं, तो सब्सक्राइब पहले करो, बेल आइकन भी दबाओ ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको दिखेगा। और दूसरी चीज, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहने वाले हैं तो पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं कि ये चीज़ नहीं बताई, वो चीज़ नहीं बताई, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, उसमें हमारी भी गलती नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखते हो तो पूरा वीडियो एंड तक देखो, जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको धीरे 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 करके आपको मिलती जाएगी। ऐप्स बहुत सारे हैं तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे बट हो सकता है लंबा हो जाए, बट देन पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और सबसे मेन चीज, जो एक सिंगल ऐप है प्लगशेयर, उसके बारे में बात करेंगे, क्या प्रोज क्या कॉन्स है उसके बारे में बात करेंगे हम, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब करो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट, तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट टाटा पावर इजी चार्ज। सो सबसे बड़ा कंपनी है टाटा पावर और टाटा ने ऑलरेडी 50,000 EVs सेल कर लिए है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है आज के टाइम पे टाटा मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स में। और इवन चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो टाटा पावर बहुत ज़्यादा बड़ा है चार्जिंग स्टेशन के बारे में भी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा चार्जर्स पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ टाटा के हैं। मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चार्जर्स है टाटा के पूरे के पूरे इंडिया में। सो टाटा पावर एक है जो आपको बहुत सारे चार्जर्स आपको मिलेंगे हर जगह पे। दूसरी चीज़ बात करते हैं टाटा पावर के ऐप के ड्रॉबैक्स की, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि टाटा पावर का ऐप कभी कभी लैग हो जाता है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आता है कि प्लीज़ वेट दिखा रहा है आपको अभी भी स्क्रीन पे, तो उसके वजह से ये इशू आ जाता है। सो टाटा पावर का ऐप कभी कभी लैग हो जाता है, बट टाटा पावर ये एक ऐसा ऐप है जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो। सो सबसे ज़्यादा चार्जर जैसे कि आपको बताया कि टाटा पावर के ही है। सो आप टाटा पावर, अगर आपने इलेक्ट्रिक कार जस्ट खरीदी है और आपको अगर पता नहीं है तो टाटा पावर ऐप आप डाल सकते हो, टाटा पावर इजी चार्ज ऐप आप डाल सकते हो और उसमें रजिस्टर कर सकते हो। दूसरी चीज़, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम यहाँ पे, बट देन आपको सिर्फ बता देंगे कि जैसे कि ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है और ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रिक साइन बना हुआ है वो उसका मतलब क्या है। तो ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई चार्जर यूज़ कर रहा है, तो येलो कलर इसका है, ये मतलब है कि ये चार्जर बिजी है। सेकेंड चीज़, जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है 5-1 जो आपको अंदर सब नंबर्स दिख रहे हैं, 5 का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 चार्जर है, यहाँ पे एक चार्जर है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चार्जर है, यहाँ पे 2 चार्जर है। और ये जो ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ये है बेसिकली प्राइवेट चार्जर, तो किसी ने अपने घर पे या ऑफिस में या कहीं पे भी प्राइवेट चार्जर लगा के रखा है टाटा का, तो ये प्राइवेट चार्जर है, हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्होंने ये चार्जर लगाया हुआ है।
थर्ड हम बात करेंगे स्टैटिक। सो स्टैटिक हमने आपको पहले भी बताया कि स्टैटिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट चार्जर जो यूज़ करता है स्टैटिक। बहुत सारे जगहों पे ऑलरेडी आपने हमारा देखा होगा कि स्टैटिक ने इतने सारे अच्छे 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 जगहों पे चार्जर लगा के रखे हैं। दो पूना में उतने ज़्यादा चार्जर्स नहीं है अभी के टाइम पे, बट देन स्टैटिक ही एक था जिसने लोनावाला में सबसे पहले चार्जर लगाया था। सो स्टैटिक अगर आप जा रहे हो नॉर्थ साइड में, दिल्ली वगैरह साइड में, तो स्टैटिक आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। बट देन अपने पूना में उतने ज़्यादा चार्जर्स नहीं है स्टैटिक के, लोनावाला में है, बाकी सब जगहों पे आपको थोड़े बहुत दिख जाएंगे। बट देन महाराष्ट्र साइड में स्टैटिक का उतना अब तक है नहीं, बट देन जितना हमको पता है कि स्टैटिक आने वाला है जल्द से जल्द, और स्टैटिक बहुत ही रिलायबल है चार्जर्स के मामले में और उनके ऐप के मामले में आज तक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुआ नहीं हमको। सो स्टैटिक अगर आपके पास ऐप नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो। फोर्थ हम बात करेंगे जियो बीपी, जियो के चार्जर्स के बारे में। सो जियो आजकल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने सारे चार्जर्स ऑलरेडी आ गए हैं। सो अगर हम देखें तो जियो ने बहुत ही कम टाइम में इतने अच्छे अच्छे जगहों पे लोकेशंस पे चार्जर्स डाल दिए हैं। और पुणे में भी अगर हम देखें तो जियो मोस्टली क्या कर रहा है कि जितने भी मॉल, जितने भी उनके उसके खुद के कुछ भी जियो के कुछ भी हो, वहाँ पे जाके जैसे रिलायंस में लगा रहा है और वो सब लगा रहा है, बट देन जियो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो जितने भी मॉल्स वगैरह है तो जियो वही ट्राई कर रहा है कि मॉल्स वगैरह में लगाने के लिए। स्टैंड अलोन भी चार्जर्स है जियो बीपी के पेट्रोल पम्प्स पे भी चार्जर्स हैं बहुत सारे जगहों पे। हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था जब भी हम लद्दाख के ट्रिप पे जा रहे थे, तो पूरा गुजरात पैच हमने जियो के चार्जर से ही यूज़ किया था। सो जियो भी बहुत अच्छा, रिलायबल और बहुत अच्छा है, और जियो का ऐप वगैरह भी बहुत फ्लुएंट है, नो प्रॉब्लम, सभी अच्छा चलता है जियो का। सो आप जियो बीपी ऐप डाउनलोड कर सकते हो तो आपको चार्जर्स भी बहुत सारे जगहों पे मिल जाएंगे जियो के। दो उतने चार्जर्स नहीं हैं कंपेयर टू टाटा, बट देन नेचुरली धीरे 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 करके जियो भी अपने चार्जर्स बढ़ा रहा है। सो जियो बीपी भी एक अच्छा चार्जर है। फिफ्थ जो हम बात करेंगे जो है चार्ज ग्रिड के बारे में। सो चार्ज ग्रिड के चार्जर्स तो आपको पता ही है बहुत सारे जगहों पे हैं, और एक्चुअली ये सब जितने भी चार्जर्स हैं वो मोस्टली हमारे महाराष्ट्र के अंदर है ज़्यादातर, और थोड़े बहुत आपको इधर उधर सूरत वगैरह साइड में भी मिल जाएंगे, बट जितना भी है हमने आज तक महाराष्ट्र में यूज़ किया है। और चार्ज ग्रिड का एक पहले प्रॉब्लम था कि वो आईफोन में नहीं चलता था, बट आजकल वो आईफोन में भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है आईफोन में दो, बट बीच में हम किधर ट्रैवल कर रहे थे तो उसमें थोड़ा बहुत इश्यूज हुए थे, बट देन चल गया था चार्जर। बट यहाँ पे चार्ज ग्रिड ओके है, मतलब उतना ज़्यादा आप ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने हमारा वीडियो देखा था कि चार्ज ग्रिड पे हम चार्ज कर रहे थे तो हमारी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो गया था। बट देन वी डोंट नो हम चार्जर को ब्लेम करें या गाड़ी को ब्लेम करें, हम किधर यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट देन चार्ज ग्रिड के चार्जर्स इतने टाइम से हो गया, मतलब हम 1.5 साल से देख रहे हैं चार्ज ग्रिड को, बट देन चार्ज ग्रिड भी ठीक ठाक है, अच्छा है। तो आप चार्ज ग्रिड भी ऐप एक आप देख सकते हो कि अपने ऐप लाइब्रेरी में एक और ऐप आप ऐड कर सकते हो चार्ज ग्रिड, क्योंकि तो बहुत सारे जगहों पे इनके भी चार्जर्स हैं, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग कंपनीज के चार्जर्स हैं, तो आप ये ऐप सब ज़रूरी है, जितना भी ये ऐप्स आपको हम बता रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है रखना। सो ये सब जितने भी ऐप्स हैं जो आप देख रहे हो कि बहुत सारे जगहों पे चार्जर्स इनके अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो जैसे कि अभी नवे नवे न्यू ऐप्स जो अभी आ रहे हैं, न्यू चार्जर्स जो अभी आ रहे हैं, जैसे कि बात करें प्योर एनर्जी के बारे में। सो अभी कुछ ही टाइम पहले हमने वीडियो डाला था, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुंबई में और गोवा में एक चार्जर दिख रहा है। सो बहुत इतने सारे जगहों पे है नहीं, बट देन नेचुरली ये लोग भी काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, तो इनका भी चार्जर यूज़ करके देखा था, बहुत ही अच्छा चार्जर था एक्चुअली। यहाँ पे प्योर एनर्जी ने ABB का चार्जर लगाया था, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी हमको, क्योंकि ABB के चार्जर्स बहुत ही अच्छे होते हैं और रिलायबल होते हैं। तो यहाँ पे प्योर एनर्जी भी अभी मार्केट में जस्ट लॉन्च हुआ है, तो धीरे धीरे करके इनके भी आने वाले हैं कुछ टाइम में और भी ज़्यादा चार्जर्स। वी होप कि इनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और इनके भी अच्छे खासे चार्जर्स बाहर आएँ। सेवेंथ जो हम बात करेंगे वो है EV डॉक। तो EV डॉक करके कोई चार्जर्स है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आजू बाजू में तो है नहीं, थाने वगैरह में ही दिख रहे, मुंबई वगैरह में ही दिख रहे चार्जर्स। तो इन्होंने ऐप जो है वो थोड़ा सा स्टैटिक स्टाइल में दिख रहा है, स्टैटिक के भी थोड़े बहुत ऐसा ऐप में नीचे आपको चार्जर्स दिखाता है आपके आजू बाजू में। तो यहाँ पे महाबलेश्वर के करीब कुछ दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आजू बाजू में तो कुछ है नहीं, बट देन ये सब ऐप्स आपको
काम में आ सकते हैं कि अगर आपके पास में आजू बाजू में चार्जर्स है नहीं, और बहुत सारे टाइम में हमारे साथ में ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं चार्जर्स देखना, तो यहाँ पे आपको ये सब ऐप्स काम में आ सकते हैं, क्योंकि तो बहुत सारे जगह पे हो सकता है कि उन्होंने भी डाला हुआ हो और हमने नहीं देखा हो। तो यहाँ पे ईवी डॉक करके कोई है जहाँ पे हमने भी यूज़ नहीं किया है, बट देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके भी चार्जर्स कुछ हैं। वी होप कि इनके भी चार्जर्स थोड़े थोड़े बहुत आ जाएँ ताकि हम यूज़ कर पाएँ जल्द से जल्द। एट्थ ऐप है जो पावर अप, जो MSEB का ही ऐप है, आप बहुत सारे जनों को पता ही है। सो यहाँ पे MSEB के ऑफिस में और बहुत सारे अलग अलग जगहों पे इन्होंने चार्जर लगाए हुए हैं, और इनके भी चार्जर्स बहुत अच्छे हैं और इनके भी चार्जर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इतने सारे चार्जर्स, 1500 चार्जर्स ऑलरेडी दिखा रहा है पुणे के आजू बाजू में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि ये चार्जर दिखा रहा है, जिसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चार्जर डिटेल में जाता हूँ, तो मेरे को चार्जर सब डिटेल दे देता है कि कौन सा चार्जर है। अभी ये AC एंड DC 3 पिन वगैरह ये सब दिखा रहा है, बट देन यहाँ पे आप फिल्टर करके आप कर सकते हो कि आपको सिर्फ कार चाहिए, पब्लिक चार्जर चाहिए, टाइप कौन सा चाहिए, सबमिट कर दो, आपको वही दिखाएगा। सो MSEB के चार्जर्स भी आजकल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमने पर्सनली यूज़ भी किए हैं, बट देन अच्छे काम करते हैं। कितने रिलायबल है आगे जाके वी डोंट नो, और इनका सिर्फ टाइमिंग का कुछ इशू होता है कि अगर इनके ऑफिस के अंदर लगा हुआ है चार्जर तो उसके टाइमिंग का कुछ इशू होता है, तो आपको वो पहले प्री चेक करना पड़ेगा अगर आप किधर भी चार्ज कर रहे हो। तो पावर अप आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आपको हो सकता है कि आजू बाजू में आपको चार्जर्स मिल जाए। 9th ऐप जो है वो है Recharge EV। इनके एक्चुअली बहुत सारे चार्जर्स दिख तो रहे हैं आजू बाजू में, इतने सारे चार्जर्स हैं, दो पूना में एक ही चार्जर दिख रहा है, एक दो चार्जर ही दिख रहे हैं। ये जो Recharge EV है ये सिर्फ Mercedes के अंदर ही लगा रहा है, Mercedes का खुद का ऐप है, तो Mercedes के अंदर ही सब चार्जर्स है। तो जितने भी आपको चार्जर्स मिलेंगे सब Mercedes के अंदर, Mercedes के शोरूम के अंदर मिलेंगे आपको, तो आप यूज़ कर सकते हो। हमने यूज़ भी किया हुआ है, पुणे में जो एक चार्जर है वो हमने यूज़ भी किया हुआ है कोरेगा पार्क के साइड में, तो वहाँ पे आप जाके यूज़ भी कर सकते हो। बट देन आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि वो चार्जर जो है वो 24 आवर्स है या 8-9 बजे के बाद में वो चार्जर बंद हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बट देन Mercedes के शोरूम में आपको ये चार्जर्स मिल जाएंगे, और Mercedes नहीं भी तो और कोई आजू बाजू में आपको चार्जर मिल ही जाएंगे। 10th ऐप जो बहुत ही ज़्यादा हम बहुत सारे टाइम पे बात कर रहे थे कि शेल ने अब तक क्यों चार्जर्स नहीं लगाए, तो शेल को चार्जर्स लगाना बहुत ज़रूरी है, और हमको पता चला है कि शेल जल्द से जल्द चार्जर्स लगाने वाला है किसी एक कंपनी के साथ में, ऑलरेडी टाइप हो चुका है, हम वो कंपनी का नाम नहीं लेंगे, बट देन वो कंपनी के साथ में ऑलरेडी टाइप हो चुका है और शेल जल्द से जल्द अपने चार्जर्स लगाने वाला है। बट देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेल के ऑलरेडी चार्जर्स आपको दिखते होंगे, तो यहाँ पे जो शेल के चार्जर्स है वो है बेंगलुरु में है, तो यहाँ पे अपने पुणे में और आजू बाजू में किधर है नहीं, तो आपको बेंगलुरु वगैरह साइड में, अगर आप बेंगलोर से देख रहे हो वीडियो तो आपके बेंगलोर में शेल के पेट्रोल पंप्स पे चार्जर्स ऑलरेडी है, तो CCS2 वगैरह आपके चार्जर्स हैं वहाँ पे, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और शेल एक्चुअली चार्जर्स बहुत जल्दी लगाना चाहिए आजू बाजू में, क्योंकि शेल इतने सारे जगहों पे है, तो चार्जर्स उनके पेट्रोल पंप्स पे रहना बहुत अच्छी चीज़ है। और शेल का मेनली ये है कि शेल के पेट्रोल पंप्स बहुत बड़े हैं, वहाँ पे टाइम पास करने के लिए कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं शेल के पास में, और बहुत अच्छा पेट्रोल पंप बना के रखता है शेल। मतलब आज के टाइम पे अगर देखें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो शेल और GOBP मेंटेन कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप शेल पे अगर चार्जर आ जाते तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि हाईवे टू हाईवे हमको बहुत ही आसान हो जाएगा कि कोई भी ट्रिप करने के लिए। तो शेल वी नो बहुत जल्दी आने वाला है, वी जस्ट होप कि जल्द से जल्द आ जाए, बट देन अगर आप बैंगलोर से हो तो बैंगलोर में ऑलरेडी शेल के पेट्रोल पंप पे चार्जर्स है। सो ये था 10 ऐप्स। जो लास्ट ऐप के बारे में हम बात करेंगे वो है PlugShare। सो PlugShare एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड के चार्जर्स दिखाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अफ्रीका वगैरह में भी चार्जर्स दिखा रहा है मुझे, बट देन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के आपको चार्जर्स दिखा रहा है। सो हम अपने देश में आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपको जितने भी कंपनीज है, जितने भी EV चार्जिंग कंपनीज है, वो सब लिस्टेड है इस ऐप पे। तो जैसे कि मैं रैंडमली यहाँ पे एक क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है, लेट्स सी। सो यहाँ पे रैंडमली एक सिलेक्ट करके देख लिया है, यहाँ पे EESL का चार्जर है जो गवर्नमेंट का बेसिकली चार्जर है केरला साइड के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको चार्जर्स के इन्फॉर्मेशन दिख जाता है और वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ओपन 24 आवर्स है, कितना कॉस्ट वगैरह है। तो ये ऐप बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, यहाँ पे लोकेशन दे देगा कि वो चार्जर कहाँ पे, और दूसरी चीज़
ये ऐप में आप बेसिकली आप यहाँ से चार्जर ऑन नहीं कर सकते, इस जस्ट कि ये ऐप आपको दिखाएगा कि आपके आजू बाजू में कितने चार्जर्स है। अगर आप से सपोज पुणे टू महाबलेश्वर जा रहे हो या पुणे टू गोवा जा रहे हो, तो आप ऑन रूट चेक कर सकते हो कि गोवा के रूट में कितने चार्जर्स है, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएंगे कौन से कंपनीज के चार्जर्स हैं। यहाँ पे एक वही चीज़ है कि आप यहाँ से ऐप में से आप चार्जर ऑन नहीं कर सकते हो, बट देन आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा कि ये चार्जर्स कहाँ कहाँ पे है, और ये ऐप आपको बताएगा भी नहीं कि ये चार्जर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। आपको जो भी ऐप है, जैसा कि यहाँ पे ESL दिखा रहा था हमको, तो हमको ESL के ऐप पे जाके देखना पड़ेगा कि वो लोकेशन पे चार्जर चालू है कि बंद है। तो ये एक चीज़ हमको बहुत बड़ी ड्रॉबैक लगती है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि इतने सारे ऐप्स हमको रखने पड़ रहे हैं एक EV चार्जिंग के लिए, तो हम पहले भी बोलते आए हैं कि एक सिंगल ऐप होना चाहिए ये सबके लिए। जैसे कि अभी प्लगशेयर है, तो प्लगशेयर जैसा कि एक कोई सिंगल ऐप होना चाहिए जहाँ पे सारी कंपनी लिस्टेड हो और वहाँ से ही हम चार्जिंग ऑन कर सकें। तो वो एक चीज़ आनी चाहिए, अगर किसी के दिमाग में है और कोई कर सकता है तो दैट वुड बी वेल एंड गुड, कि एक सिंगल ऐप होगा सबके लिए और बहुत ही आसान हो जाएगा ये सब चीज़ें, बहुत ही लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। अगर एक सिंगल ऐप आ जाता है, हम उससे ही अपना चार्जर ऑन कर सकते हैं और कोई भी कंपनी का चार्जर हो हम ऑन कर सकते हैं। तो प्लगशेयर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि चार्जर्स कहाँ 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 पर है और कौन सी कंपनी के चार्जर्स हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि येलो और ग्रीन कलर आपको दिखाता होगा यहाँ पे, येलो मींस आपका फास्ट चार्जर है, ग्रीन मींस आपका स्लो चार्जर है। तो जैसे कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन में आपको टाइप 2 और टाइप 3A दिखाता होगा, दैट्स अ स्लो चार्जर। यहाँ पे येलो में जाके देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएगा CCS2 चार्जर जो फास्ट चार्जर है, DC चार्जर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 kW। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी होंगी और बाकी सब चीज़ें तो आपको पता ही है। अगर आप आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो प्लगशेयर के बारे में पता ही है। अगर नहीं पता प्लगशेयर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करो, हम डिटेल में वीडियो बना लेंगे उसके बारे में। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको सब कमेंट करो, और क्या क्या चीज़ें हमने मिस कर दी हैं वो भी कमेंट करो, ताकि हम अगले वीडियो में आपके लिए कवर कर लें। सो ये ही सब ऐप्स थे जितने भी थे, तो आपके फ़ोन में डाउनलोड करके रखो, काम में तो बहुत आने वाले हैं। और सबसे मेन ऐप है जो प्लगशेयर है, जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो प्लगशेयर इन्फॉर्मेशन के लिए आपके आजू बाजू में कौन से चार्जर्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे कि चार्ज जोन का चार्जर ऑन कर दिया या टाटा पावर का ऑन कर दिया या चार्ज ग्रिड का ऑन कर दिया, आपको एक एक ऐप ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्लगशेयर ऐप ऑन करो और आपके आजू बाजू में कौन से चार्जर्स हैं सब आपको दिखा देगा, आपको इंडिविजुअल ऐप ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लगशेयर का ये एक बेस्ट बेनिफिट है जो आपको चार्जर्स दिखा देता है आजू बाजू में। सो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो लोगों के साथ में शेयर करो, जिन्होंने अभी न्यू EV खरीदी है उनके साथ में भी शेयर करो, ताकि उनकी भी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। और कुछ भी चाहिए होगा, जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो प्लीज़ कमेंट करो, हो सकता है कि हम उसके ऊपर कोई वीडियो बना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।